नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं विनय गुप्ता के फेसबुक प्रोफाइल से। कैप्शन में आप पढ़ लिया होगा कि जिस व्यक्ति की हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, जिस शख्सियत की आपको फोटो दिखा रहे हैं, हमारे सामने है प्रदीप क्योड़ो जी। आज इनका जन्मदिन है और प्रदीप जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में इनको तो आप पहचान ही चुके होंगे, हाथ जोड़ने की आदत पड़ चुके नेताओं के साथ रहने के बाद। तो विनय गुप्ता जी आए हैं साथ में, और हम जिस जगह पर हैं उस जगह का नाम हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम प्रमोशन नहीं करना चाहते उस होटल का। और आज प्रदीप क्योड़ो का जन्मदिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? पहले तो हमारे अजीज दोस्त को मेरी तरफ से और जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे प्रदीप भाई। थैंक यू सर। प्रदीप भाई, आप हजारों साल तक जिए और सफलताएं आपके कदम चूमे, यही हमारी दोस्तों की तरफ से आपके लिए दुआएं हैं। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत। और जो आपने हमारे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है, इसके लिए भी मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू भाई साहब। ये तो वो है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये तो सब बहाना है, कोई पार्टी नहीं है यहाँ। मतलब पार्टी का नाम पे ऐसे आ जाएगा ना कि और नहीं, मैं पार्टी दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पार्टी जो एक सेलिब्रेशन वाली पार्टी, तो हम सिंपल सा एक साधारण सा भोजन ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन आपका जन्मदिन है, आज का भोजन स्पेशल है हमारे। स्पेशल तो प्रदीप भाई, फिर आपने कैसे आज एंजॉय किया? आज 15 अगस्त भी है, देश का स्वतंत्रता दिवस भी है, तो दिन में आपका क्या आज का शेड्यूल रहा और अब कैसे एंजॉय करने? सुबह जैसे कि 9:30 बजे हमारी संस्था की तरफ से, आज हमारी संस्था को सम्मानित किया गया आयुक्त मंडल करनाल आए हुए थे, संजय वर्मा जी आए हुए थे, तो उन्होंने हमारी संस्था को सम्मानित किया और बताया कि आपकी संस्था जीवन रक्षक दलमूलक से काम करती है। तो उसके बाद फिर कई काफ़ी युवाओं ने मुझे बुलाया कि भाई साहब जन्मदिन है, आप हमारे पास आएँ। मैं गया वहाँ पर, जा कर के उनका प्यार मिला और ये प्यार ही मेरी ताकत है। आपके परिवार में किन कौन कौन सदस्य हैं और उन्होंने आपका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या गिफ्ट दिया आप? अभी तक तो घर गया ही नहीं सर। मतलब यही एक अच्छे नेता का जवाब होता है कि वो घर बहुत कम जाता है, फील्ड में ही रहता है। तो यानी युवा प्रदीप थोड़ा का अच्छे नेता भी बन गए। थैंक यू जी। तो नहीं है सर, राजनीति खराब नहीं है। अगर राजनीति खराब होती तो राहुल गांधी ना होता, रणदीप सुरजेवाला ना इसमें आते, और भी लोग अपने बच्चों को ना के विरासत में देते। ठीक है, कई लोग तो संघर्ष करके आते हैं, कई लोगों को विरासत में मिल जाती है। अगर मैं कहता हूँ, अगर हम किसी गलत इंसान को चुनेंगे तो बाद में उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा। भाई मुझे लग रहा है नेता बनने के बाद या इलेक्शन में खड़े होने के बाद, ये फर्स्ट टाइम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कैसा रिएक्शन लग रहा है? पहले तो आसपास के दोस्त ही बधाई देते होंगे, सर्कल वाले, अब कितने बधाई संदेश आ रहे हैं? सर अनगिनत, जिनका कोई नहीं, कोशिश कर रहा हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। क्या किसी विरोधी का भी आया जो आपके प्रतिद्वंदी है? मेरा कोई विरोधी नहीं है वैसे, मतलब इस तरह विरोधी नहीं, कोई रंजिश वाला विरोधी नहीं कह रहा हूँ मैं कोई। नहीं, सबसे प्यार है। देखो ये तो एक ना वो है, चुनाव एक खेल है लगा लो, उसमें सब अपने अपने योगदान करेंगे, सब अपने जो भी चुनाव में खड़े हैं वो खड़े होंगे, लेकिन पब्लिक जिसको चाहेगी उसे ही आशीर्वाद मिलेगा। तो जब दो पहलवान कुश्ती करते हैं, एक तो चित होता ही है। एक काटा प्रदीप भाई है सर, एक काटा। हाँ, आज गांव टोड़क में एक काटा जी। तो कैसा फील कर रहे हैं आज आप? आज आप बहुत स्पेशल दिन है, हम आपको फिर से बधाई देते हैं आपके जन्मदिन। कौन सा जन्मदिन आप मना रहे हैं? 30वां मना रहा हूँ सर आज जी। तो मतलब आप में से छोटे हैं दोस्त। तो मेरा भी बर्थडे है थोड़े 2 महीने बाद। अच्छा, 16 अक्टूबर को है। नहीं, एडवांस नहीं, मैं आपसे उसी दिन लूँगा एडवांस में। दिस इज नॉट मनी दैट यू विल गिव मी एडवांस, उसी दिन कर देंगे। तो इस समय हमारे साथ धर्म भी मौजूद हैं। मैं और धर्म आपके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, आपको करीब से भी जानते हैं। प्रदीप भाई, आप वाकई अच्छे इंसान हैं। देखिए सर, कई बार ना क्या होता है कि जैसे पत्रकार साथी हैं तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये ही इनके करीब हैं, बट ये तो एक प्यार होता है। पत्रकारिता अपनी जगह है, प्यार अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, परिवार यार, वैसे भी पत्रकार से प्यार होने में बुराई क्या है? हाँ, इंसान है हम सब, जो नेता से प्यार कर सकते हैं तो पत्रकार से क्यों? इंसान बनाया है तो इंसान, वो कहते हैं ना, नर सेवा नारायण सेवा। अगर हम इंसानों से प्रेम करेंगे तो
इंसान हमें भी प्रेम ही मिलेगा वापस, अकड़े भी तो अकड़ मिलेगी, हम जैसे होंगे सामने वाला वैसे भी। बहुत ही सुलझे हुए इंसान, और मुझे तो सब प्यारे लगते हैं, और यही हमारी दोस्ती की बुनियाद भी है शायद। मेरे भी सभी दोस्त ऐसे हैं जो बहुत ही फ्लेक्सिबल इन नेचर हैं और काफ़ी अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कह देते हैं, जैसे आप हो कहते थे डॉक्टर विनय, कहते यार वो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर उनसे पूछे भी आपको क्यों अच्छा नहीं लगता, वो आपके कोई पैसे मार लिए उसमें कहेंगे ना, आपको गाली दी कहेंगे ना, फिर आपका कुछ और बुरा किया कहेंगे ना, कहते बस वैसे ही अच्छा नहीं लगता। अब ऐसे लोगों का तो इलाज है नहीं, बिल्कुल वो तो अपना इलाज खुद करवाए, क्योंकि जब डॉक्टर विनय को भगवान ने चेहरा ही ऐसा दे दिया भाई तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता, अच्छा लगना चाहिए। ये टॉन्ट था, ये टॉन्ट था कंप्लीट सर। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं, ऐसी मानसिकता कि वो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इन्हें लगता तो नहीं लगता। तो प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से प्रदीप जी को, प्रदीप चोड़क को, जो बहुत ही दिल से बहुत अच्छे हैं दोस्तों, क्योंकि मेरी जो इनसे दोस्ती की बुनियाद है वो नेता और पत्रकार की हैसियत से नहीं, बल्कि हमारे जो विचार हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं धर्म और चोड़क प्रदीप से जो है चोड़क से को साथ देते हैं, उनके साथ हैं, और बाकायदा पत्रकारिता में भी उनका साथ है, उनके इलेक्शन में भी हम उनके साथ पूरी तरह से हैं, कि एक ईमानदार व्यक्तित्व का व्यक्ति चुनावों में जब उतरता है तो उसे आम जनता सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए। तो 30वें जन्मदिवस की और 75वें स्वतंत्रता दिवस की प्रदीप चोड़क को और देशवासियों को हार्दिक बधाई। मैं डॉक्टर विनय।